आगरा के घनश्याम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में सालों पहले अपनी स्कूलिंग पूर्ण कर चुकी छात्राएं अपनी अध्यापिकाओं से मिली और साथ ही अपनी पुरानी दोस्तों से गले मिलकर स्कूल के वो पुराने दिन याद किए, जिसमें वे कभी क्लास में बैठकर एक दूसरे के साथ लंच किया करती थी तो कभी स्कूल के प्लेग्राउंड में दौड़ व अन्य प्रतियोगिताओं में एक दूसरे को कंपटीट दिया करती थी। कई छात्राएं स्कूल और प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। जब स्कूल ने उन्हें बुलाया और यह बताया कि उनके पुराने साथी और अध्यापिकाओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो यह सुनकर वे छात्राएं काफी खुश हुईं। उनका कहना था कि स्कूल छोड़ने के बाद वह शायद ही किसी क्लासमेट से मुलाकात हो पाई हो, लेकिन स्कूल ने यह आयोजन कर फिर से हमारी पुरानी याद ताजा कर दी है। इसके लिए वे स्कूल वालों का काफी धन्यवाद कर रही है और उन्होंने कहा कि आगे भी स्कूल को इस तरह के कार्यक्रम करते रहने चाहिए जिससे हम अपने पुराने मित्रों और शिक्षकों को भविष्य में याद रखें। सर, गणेशराम नागर स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, आज गणेशराम नागर सरस्वती विद्या मंदिर बल्केश्वर आगरा में विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद मध्य प्रदेश के अंतर्गत पूर्व छात्राओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के ही प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी और हमारे विद्या भारती के संस्थान मंत्री श्री हरिशंकर जी का शायद हम सभी को प्राप्त हुआ है। जैसे बच्चों को यहाँ पर बुलाया है तो किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जी, विद्या भारती जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि देश का ही नहीं पूरा विश्वव्यापी संगठन है जिसमें लगभग 9 लाख से अधिक छात्र हमारे पोर्टल पर पंजीकृत हैं और विश्व के सबसे बड़े एलुमनाई संगठन के रूप में इसकी एक पहचान है। इन संगठन से सभी विद्यार्थियों को जोड़ रखने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए और उनको सामाजिक परिवर्तन का कारक बनने के लिए प्रेरणा देने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज आगरा जनपद में इस तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पूर्व छात्र परिषद है आगरा जनपद की, उसके विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों की घोषणा भी इस कार्यक्रम में की गई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही।